मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का ये युगल गीत प्यार और रोमांस का अमर गाना है। इस फिल्म में एक्टिंग के लिए विनोद खन्ना को पहली बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। जब से मुझे तेरा प्यार मिला। इस गाने में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार गुलशन बावरा और फिल्मी गीतों की सदाबहार जोड़ी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का जादू चला था। लेकिन इस गीत के दौरान रफी साहब एक अजीब सी स्थिति में फंसे हुए थे। ये गाना बहुत अच्छा बना था, लेकिन एक्टर विनोद खन्ना नहीं चाहते थे कि ये गाना मोहम्मद रफी रिकॉर्ड करें। वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि गाना किशोर कुमार से रिकॉर्ड कराओ। मैं हूं लहर और साहिल है तू। लेकिन फिर भी ये गीत रफी साहब की आवाज में कैसे रह गया और क्यों विनोद खन्ना का दबाव काम नहीं आया, यही बताने वाले हैं हम इस खास पेशकश में। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुहाना सफर। ये वो दौर था जब प्रकाश मेहरा जंजीर फिल्म से बॉलीवुड को एंग्री मैन सुपरस्टार दे चुके थे। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जंजीर के बाद सलीम जावेद की जोड़ी के साथ प्रकाश मेहरा एक और फिल्म लेकर आए। फिल्म का नाम था हाथ की सफाई और ये साल था 1974, यानी जंजीर के एक साल बाद। हाथ की सफाई में उन्होंने रणधीर कपूर और हेमा मालिनी को लीड रोल दिया था और विनोद खन्ना और सिमी गेरेवाल सेकेंड लीड हीरो हीरोइन के तौर पर लिए गए थे। ये दो भाइयों के बचपन में बिछड़ जाने और जवानी में नाटकीय तरीके से मिल जाने के जाने पहचाने फॉर्मूले पर बनी थी। इसमें रणधीर कपूर के साथ हेमा मालिनी की जोड़ी थी। दिलचस्प बात यह है कि हेमा मालिनी ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत उनके पिता राज कपूर साहब के साथ सपनों का सौदागर फिल्म से की थी और पर्दे पर राज कपूर जी के साथ रोमांस कर चुकी थी। इस तरह वो बाप और बेटे दोनों की हीरोइन बनी। यारों को तो जीने का बहाना चाहिए, पीने वालों को। प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों में ज्यादातर लावारिसों, गुंडे मवालियों, ठगों और दादा टाइप के किरदारों को प्रेजेंट करते थे। इनको सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में फ्रंट सीट दर्शक खूब पसंद करते थे और उन्हीं की बदौलत ये फिल्में हिट हो रही थी। इसी ट्रेंड के मुताबिक उन्होंने हाथ की सफाई में दो जेब कतरों की कहानी पेश की, जिसे तब के सुपरस्टार राइटर सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। इस फिल्म के लिए गाने गुलशन बावरा ने लिखे और कल्याण जी आनंद जी संगीत दे रहे थे। इसमें लीड हीरो यानी रणधीर कपूर के लिए किशोर कुमार ने आवाज दी थी। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। उन दिनों किशोर कुमार की धूम थी और वो लीड एक्टरों की आवाज के लिए रफी साहब को रिप्लेस कर चुके थे। दर्शक और श्रोता उनके दीवाने थे, इसलिए प्रकाश मेहरा ने उनको मेन हीरो के गाने के लिए साइन कर लिया था। ऐसे में म्यूजिक कंपोजर ने सेकंड हीरो यानी विनोद खन्ना के लिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड कराने का फैसला किया। जीवन भर साथ निभाए। पूरी फिल्म में ये एकमात्र गाना है जो विनोद खन्ना पर फिल्माया गया है। लेकिन जब विनोद खन्ना को ये पता चला कि उनके लिए गीत रफी साहब की आवाज में है तो वो बिफर गए। हर जन्म यूं मिलके रहेंगे। विनोद खन्ना तब विलन से मेन हीरो बनने की दिशा में तेजी से काम कर रहे थे और कामयाब भी हो रहे थे, इसलिए उनको लगा कि उनके लिए भी किशोर कुमार की आवाज में ही गीत होना चाहिए। विनोद खन्ना में हर वो बात थी जिसके लिए लोग किसी फिल्म स्टार को फॉलो करते हैं। हैंडसम चेहरा और जबरदस्त पर्सनालिटी के साथ साथ उनकी एक्टिंग में स्टाइल थी। मल्टी स्टारर फिल्मों में उनकी पर्सनालिटी उभर कर आती थी और सेकंड लीड में भी वो हीरो को बराबर की टक्कर देते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपनी ही शर्तों पर काम करते थे। ये वादा रहा, ना होंगे जुदा। उन्होंने संगीतकार कल्याण जी आनंद जी से कहा कि इस गीत में रफी साहब को हटाओ और किशोरदा की आवाज में रिकॉर्ड कराओ। लेकिन कल्याण जी आनंद जी को लग रहा था कि रफी साहब ने ये गीत परफेक्ट गाया है
और उन पर ये गीत सूट भी करेगा। इसलिए उन्होंने विनोद खन्ना को समझाने की कोशिश की कि गायक को बदलने से कोई फायदा नहीं है, ये गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो। जब संगीतकार ने मना कर दिया तो विनोद खन्ना सीधे निर्देशक प्रकाश मेहरा के पास जा पहुंचे और उनसे कहा कि मेरा गाना भी किशोर कुमार की आवाज में ही रिकॉर्ड कराइए। तब के दौर के मुताबिक प्रकाश मेहरा ने भले ही किशोर कुमार की आवाज में रणधीर कपूर के गाने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो रफी साहब के भी उतने ही बड़े मुरीद थे। उन्हें रफी साहब की गायकी पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो बोले कि नहीं, ये गीत बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो रहा है, तुम चिंता ना करो, ये गाना बहुत चलेगा। ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। इस तरह ना संगीतकार ने सुनी न फिल्म निर्देशक ने, तो विनोद खन्ना नाराज हो गए। उनका ईगो बहुत बड़ा था और वो अपने आप को सुपरस्टार से कम नहीं समझते थे। प्रकाश मेहरा की फिल्म हेरा फेरी तो उन्होंने इसी शर्त पर की थी कि अमिताभ बच्चन से 1 लाख रुपए ज्यादा फीस लेंगे, लेकिन इस बार उनकी कोई नहीं सुन रहा था और इसका असर फिल्म के सेट पर साफ दिख रहा था। फिल्म से जुड़े लोगों के बीच तनाव बढ़ रहा था। जब ये खबर रणधीर कपूर के पास पहुंची तो उन्होंने बीच बचाव करने का फैसला किया। उन्होंने संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के पास जाकर इस गीत को सुना और फिर आकर विनोद खन्ना से बोले कि आप बेवजह परेशान हो रहे हो, ये गाना बहुत सुरीला है और रफी साहब और लता जी ने इसे बहुत अच्छे से गाया है, आप देखना ये गाना बहुत चलेगा। और मैं तो कहता हूं कि ये गाना हाथ की सफाई का सबसे हिट गाना है। इस तरह संगीतकार, फिर फिल्म निर्देशक और अब हीरो के समझाने पर विनोद खन्ना दोबारा सोचने को मजबूर हो गए। अगर मैं एक किरदार कर रहा हूं तो बाकी लोग भी तो अपना काम कर रहे हैं, इस फिल्म से सबकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, इसलिए सबके सब एक ही बात पर अड़े हुए हैं और ये गाना रफी साहब की आवाज में ही रहे तो जरूर इनकी बात में दम है। इसलिए आखिरकार उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी और ये गाना रफी साहब की आवाज में ही रह गया। अपनी तो है बस ये ही दुआ। ताज्जुब की बात यह है कि इस विवाद की बात कभी भी रफी साहब के कानों तक नहीं पहुंची। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए, लेकिन सबसे ज्यादा जिस गाने की चर्चा हुई वो यही गाना था। ये गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के सबसे हिट गानों में शुमार किया जाता है। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे। विनोद खन्ना ने करीब 150 फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार इसी फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला था। दोस्तों, इस पेशकश में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।